So guys, now we are in Orion Mall. घर से हम बाहर निकल के आ गए हैं और चलो थोड़ा घूम लेते हैं. वीकेंड है, बहुत क्राउड है, बहुत 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 क्राउड है. तो लेट्स हैव फन बेबी. यस. अब हंग्री हो? अभी हंग्री नहीं है. यू आर हंग्री? लिटिल बिट. थोड़ा घूम लेते हैं. हाँ, उसके बाद फूड कोर्ट जाएंगे. हाँ. कौन सा वाला लेना है? वाओ, दिस इज सो गुड यार. पम पम है इसके साथ. ले किस ले रहे हैं पहले ये तो बता दो सबको. मेरा जो पम ट्री है ना, उसके लिए मैंने शेयर किया था ना कि मुझे एक पॉट खरीदना है. उसके बाद मैं शेयर करूंगी बाद में वीडियो में. तो उसके लिए ये जूट का है. जूट नहीं, एक्चुअली वन टाइप ऑफ पेड़ का कुछ है, बट दिस इज इको फ्रेंडली. बेबी कौन सा फाइनल हो रहा है फिर? एक्चुअली ये वाला एक मिल रहा है, उसके साथ ये वाला पॉम्पम वाला भी मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली फिनिशिंग इसका ज़्यादा अच्छा है. ये प्रीमियम लग रहा है ना. प्रीमियम लग रहा है. पार्ट का जो इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है. ये थोड़ा ये पॉम्पम ना हम घर पे भी बना के इसके साथ लगा सकते हैं. यू कैन गो क्रिएटिव विद दिस वन. ठीक है, लेंगे क्या? लेते हैं. इसके ऊपर पॉट अच्छा लगेगा क्या? एक सेकंड, आप कैमरा ऑन रखो. देखो इसके ऊपर पॉट सच में ज्यादा अच्छा लगेगा. किसके ऊपर? इसके ऊपर ना. लेकिन आप बोल रहे पॉम पॉम इधर भी लगा सकते हो. हाँ, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, खरीदना पड़ेगा. यही वाला अच्छा लग रहा है ना? हाँ. ये अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, ले लेते हैं फिर. ठीक है, ठीक है. इतना सारा सामान बीबी, इतना बड़ा बैग में. टाइट है ना? पैर पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और बड़ा चाहिए. स्टील का? स्टील नहीं है, किसका है? बेंटो बॉक्स. अरे बेंटो तो है, मटेरियल क्या है? पता नहीं है, कुछ प्लास्टिक ही लग रहा है, मेटल लग रहा है ना. ये वाला देखो. उस दिन हमने 500 रुपए का खरीदा था, है ना, 1 लीटर. इसमें 350 रुपए का 840 ml. तो इफेक्टिवली ये ज्यादा सस्ता है, बट इसका लॉक है. लॉक इज गुड. अच्छा, हाँ, बाथरूम से निकलते ही पैर गंदा. और पैर गंदा है, साफ भी होगा तो भी साफ करोगे तो गंदा तो जाएगा. घुसते वक्त भी तो गंदा होगा ना फिर ये वाला. सी दिस रिलीज, ये नया आया है इसलिए मैं इधर आई हूँ. ठीक है. क्या है ये? चूल्हे काटर. 100 रुपए का? 2, 3, 4, 5, 6, 20, मतलब 17 रुपए का एक. लेना है ये? क्या फायदा है इसमें? फायदा क्या? लेना है. मेरा एक्सप्रेशन दिखा दो तो मैं बताता हूँ. ये क्या है? मेकअप ब्रश क्लीनर है. नहीं क्या? पुराना वाला खराब हो गया. लास्ट टाइम पता है कैसे मैंने साफ किया है? वो जो चाय छन्नी होती है, छन्नी होती है, उससे मैंने क्लीन किया था. तो इस बार भी कर लेना. ये तो गिर, नीचे गिर रहा है. इट्स नॉट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ योर फोन. ओ नहीं होगा. Maybe makeup item.
बेबी यार पिछले हफ्ते ही लिया है मेकअप. नहीं दिस इज ब्राउ जेल. वो क्या होता है? अरे ब्राउस में. अरे उस दिन भी तो वो प्राइमर दिया था उसमें. वो तो किसके लिए था? आईलाइनर वाला था. आईलाइनर था, ये ब्राउस के लिए है. अच्छा वो सुनो आईलाइनर वाला ब्राउ भी नहीं लगा सकते? ब्राउ सख्त हो जाएंगे ना अभी. अच्छा लगेगा. ठीक मैडम अभी किधर? अभी तो भूख लगा है, चलो कुछ खाने चलते हैं. बेबी इधर तो नींद आ रही का एक्सप्रेशन और भूख लगा है आपको. बेबी यस क्या लेके आई हो बेबी? ये मैडम का चॉइस. हाँ आज मुझे बहुत छोले भटूरे का मन हो रहा था. लेकिन ऐसा रंगीन क्यों है ये मसाला वाला है ये वाला, और ये वाला है आपका कस्तूरी में. सो डिफरेंट फ्लेवर ट्राई करते हैं. चलो बेबी इतने दिन से हम मुरान मॉल आ रहे हैं लेकिन ये मेन गेट पे हम कभी नहीं आए ना. हाँ हम दूसरे गेट से आते हैं और यहाँ बड़ी अच्छा पानी वाला लगा है. दिस इज अ वेरी गुड इफेक्ट. Yeah, we like it. कितना अच्छा लग रहा है. जिनलिए हम वो वाला पीछे वाला गेट से आते हैं तो ये वाला हमने नहीं देखा है. चलो गाइस अभी तो हम घर चलते हैं. उसके बाद आपके साथ आप लोगों के साथ थोड़ी बात मुलाकात करते हैं. ओह इट्स सो विंडी आउटसाइड. सो गाइस अभी मैं दिखाती हूँ कि मॉल से मैंने क्या क्या खरीदा है. सबसे पहले चीज जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है व्लॉग में, दैट इज इस पम ट्री के लिए मुझे एक टब खरीदना था. तो मैंने ये खरीदा है फ्रॉम वेस्ट साइड और इसका प्राइस है 499 रुपीज़. तो काफ़ी इको फ्रेंडली दिखता है, काफ़ी अच्छा दिखता है एंड कलरफुल पॉम पॉम्स भी हैं. तो अच्छे रेंज में काफ़ी अच्छा चीज़ मिला. सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट. नेक्स्ट मैंने दो तीन चीज़ें खरीदा है फ्रॉम मिनीसो. और मिनीसो मैं इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि मिनीसो पे ज्वेलरीज है और मुझे देखना था कि वो कैसा है और उसका रेंज कैसा है. तो फर्स्ट टाइम मैं देख रही थी मिनीसो पे ज्वेलरीज और ऑब्वियसली आई बॉट वन. तो दिस इज़ द इयर रिंग आई परचेस्ड और इसका प्राइस है 260 रुपीज़ एंड काफ़ी क्लासी है और मटेरियल भी बहुत अच्छा है. और भी जो इयर रिंग्स थे वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे. काफ़ी मतलब चीप क्वालिटी जैसे नहीं लग रहा था और उसका रेंज भी 100 to 200, 250 ऐसा रेंज में था. तो आई थिंक बजट के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छा था. और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे इयर रिंग्स हैं तो मैंने बस एक ही खरीदा है जो मुझे थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा डिफरेंट लगा. नेक्स्ट मैंने खरीदा है दिस वन. दिस इज़ मेकअप ब्रश क्लीनर. मेरा पुराना वाला जो था ख़राब हो गया था तो इसलिए मैंने ये वाला खरीदा है और इसका प्राइस है 190 रुपीज़. नेक्स्ट मैंने खरीदा है दिस रबर बैंड्स. दिस ग्लॉसी ब्यूटिफुल रबर बैंड्स. दिस इज पैक ऑफ 6 और इसका प्राइस था 100 रुपीज़. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई बॉट दिस मैट. ये एक्चुअली वॉशरूम के लिए है या तो किचन में भी यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ डार्क कलर मैट जो आपने व्लॉग में देखा ही होगा कि मैं अपने पति के साथ थोड़ा सा मतलब मुझे वो क्यूट देखने वाला मैट लेना था लेकिन ही वॉज़ लाइक नहीं वो जल्दी गंदा हो जाएगा आपको ही साफ़ करना पड़ेगा. तो ऐसा वाला कलर लोगे तो आपको इतना बार बार साफ करना नहीं पड़ेगा. सो आई बॉट दिस वन और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है. दिस कॉस्ट ओनली 150 रुपीज़ और इसके पीछे वो रबर जैसा है जो ग्रिप होता है मतलब स्लिप नहीं हो जाता है. अगर आपका ज़मीन गीला है तो ये मैट स्लिप नहीं होगा, अच्छे से ग्रिप रहेगा स्पेशली फॉर किचन एंड वॉशरूम पर्पज़ जो होता है. तो काफ़ी अच्छा है 150 रुपीज़ में. तो आप भी बताओ क्या शॉपिंग करने के टाइम पे आपके साथ आपका हस्बैंड या तो आपके पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है ना आर्ग्यूमेंट कि नहीं ये मुझे बहुत क्यूट लगता है मुझे ये लेना है लेकिन
दूसरे जो पर्सन है वो बोलते हैं नहीं ये गंदा हो जाएगा, जैसे कि वाइट चीज़ है ये सारे गंदा हो जाएगा मत लो। मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ तो हमेशा ही होता है ऐसा। तो आप भी बताओ कि ऐसा इंसिडेंट आपके साथ लास्ट कब हुआ था, और जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, मैं वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। सो गाइज, मेरा शॉपिंग देख के अगर आपको लग रहा है कि आपको शॉपिंग करना है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, देन लेट मी गिव यू अ सोल्यूशन। आप मीशो ऐप चेक कर सकते हो और उसके जरिए आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। मीशो एक ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस ऐप है जहाँ पे आप घर बैठे बिना कोई इन्वेस्टमेंट के सिर्फ स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए आप बिजनेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए और मीशो ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए कौन से प्रोडक्ट आप रीसेल करना चाहते हो। शेयर बटन पर क्लिक करके आप वो पिक्चर शेयर कर सकते हो अपने कॉन्टेक्ट्स को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। जैसे ही आपको ऑर्डर आता है आप प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कीजिए, क्वांटिटी सिलेक्ट कीजिए एंड पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। इधर आपको टोटल प्राइस दिखेगा, इसके ऊपर आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके फाइनल प्राइस ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट 300 है और आप प्रॉफिट मार्जिन 100 रुपीस रखना चाहते हो तो आपको 400 रुपीस फाइनल प्राइस ऐड करना है। ये प्रॉफिट मार्जिन ही आपका अर्निंग है। इसके बाद आप कस्टमर का एड्रेस डिटेल्स डाल दीजिए तो आपका प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा। मीशो प्रोडक्ट डिलीवरी, पेमेंट, कलेक्शन एंड रिटर्न्स की जिम्मेदारी लेते हैं। मीशो में 7 डेज का रिटर्न पॉलिसी है और आपका अर्निंग 10 डेज के बाद आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो का लिंक और मीशो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट टुडेस छोटू मोटू सा हॉल एंड व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।